इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बैनर पर आप गोल्डन फंड कैसे बनाएं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से गोल्डन फंड इस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपना क्या करना है, पिक्सल ओपन कर लेना है। पिक्सल ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपना जो इमेज का साइज है इस तरह से कर लेना है। तो हम कर लेते हैं यूट्यूब थंबनेल के, तो हमें थंबनेल बनाना है तो थंबनेल कर लेते हैं, देन ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको इस तरह से बैकग्राउंड इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, आप जो भी है उस तरह से हिसाब से लगा लीजिएगा। तो मैं इस तरह से लगा देता हूँ। उसके बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद हम लिख देंगे कोई सा भी टेक्स्ट। तो हम गोल्डन फंड कैसे बनाए इस तरह से लिख देते हैं और ओके कर देते हैं और इसको सही तरह से एडजस्ट कर देते हैं। आप अगर सही से इसको एडजस्ट कर लेना अपने मन से। तो हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। उसके बाद हम फंट में जाएंगे और फंट में इस तरह से अपना चूज कर लेंगे, कोई सा भी हो इस तरह से इतने सारे में से। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। उसके बाद हमें जाना है इस तरह से सेट कर देना है इसको और उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्टर में। तो ये मिल चुका है टेक्स्टर। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। लेकिन ओपन करने के बाद आपके गैलरी में, मतलब मेरे गैलरी में पहले से ही है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल पे। इस तरह से गोल्डन आप लिखेंगे गोल्डन पिक्चर्स तो आपके सामने बहुत सारे फ़ोटो आ जाएंगे इस तरह से अपना, जो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, और मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद हो गया। अब हम जाएंगे स्टाइल में। तो स्टाइल में जाने के बाद हम इस तरह से आई वाले पर इस पर क्लिक करके और इस तरह से हम थोड़ा स्टाइल बना देते हैं ताकि अच्छा लगे, और इसको इस तरह से कर देते हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे 3D में और 3D को इनेबल कर देंगे। उसके बाद जितना है थोड़ा थोड़ा इसको सही से लगा देते हैं ताकि अच्छा से दिखे ये, और इस तरह से हम कर देते हैं। तो हम नीचे की ओर देखते हैं इस तरह से, तो इस तरह से हम कर देते हैं। तो ये हमारा गोल्डन फंड जो है इस तरह से 3D मूव होने लगता है। आप इसको 3D पिक्सल से मदद से आप बना सकते हैं इस तरह से। और इसको बनाने के लिए आपको पिक्सल डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप कलर में जाएंगे और बैकग्राउंड चाहे तो अपना जो भी है जो अच्छा लगे इसको इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं जो अच्छा लगता है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो चुका है। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब उसके बाद हम जाएंगे शेडो में और इस तरह से हम इसको कर देंगे ताकि जो है वो अच्छी तरह से दिखे इस तरह से। और इसको हम करके और नीचे की ओर जाएंगे, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं सही से एडजस्ट करके, आप भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम सेव पर और इमेज पर और प्रोजेक्ट पर हम इसको सेव कर देंगे, इसको HD कर देंगे। तो हम इस तरह से हाई HD वेरी हाई, उसके बाद हम शेयर कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक।